राजधानी रांची के झीरी में स्थापित कचरे का पहाड़ बायो माइनिंग पर हटाया जाएगा। इसके लिए सूडा ने खर्च का प्रारंभिक आकलन तैयार कर लिया है। झीरी में बायो माइनिंग पर कचरा हटाने में 250 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन किया गया है। सूडा ने केंद्रीय शहरी मंत्रालय को पत्र लिखकर रकम आवंटित करने की मांग की है। साथ ही साथ बायो माइनिंग का DPR भी तैयार होगा। इसके लिए कंसल्टेंट का चुनाव हफ्ते भर में कर लिया जाएगा। सूडा की देखरेख में जुटको बायो माइनिंग का DPR तैयार किया जाएगी। जीरी में 42 एकड़ में कचरे का फैलाव है। यहां 24 से अधिक वर्ष से कचरा फेंका जा रहा है। यह कचरे का काफी ऊंचा पहाड़ तैयार हो गया है। पिछले दिनों पूर्व मिस झारखंड व मॉडल सुरभि ने सरकार व प्रशासन का ध्यान सोर आकृष्ट कराने के लिए कचरे के ढेर पर कैटवॉक किया था। इस कचरे को अब बायो माइनिंग कर खत्म किया जाएगा। बायो माइनिंग का काम नगर निगम कराएंगे। इसके लिए DPR तैयार कर और कंपनी चयन करने की जिम्मेदारी सूडा को दी गई है। बायो माइनिंग के तहत वैज्ञानिक ढंग से कचरे का निस्तारण किया जाएगा। जो धातुएं निकलेंगी उन्हें गलाकर उनसे धातु बनाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक को गलाकर नया प्लास्टिक बनाया जाएगा। अन्य कचरे से ईंधन बनाया जाएगा। इसके अलावा 10 अन्य शहरों आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, मानगो और रामगढ़ के कचरा डंपिंग यार्ड में कई साल से जमा कचरा भी हटाया जाएगा। इसे भी बायो माइनिंग प्रणाली के तहत रिसाइकल किया जाएगा। झीरी में कचरे के निस्तारण के लिए गेल बायोगैस अब प्लांट लगाने जा रही है। इस पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्लांट में जो नया कचरा झीरी पहुँचेगा उससे बायोगैस बनाई जाएगी। बायोगैस के निर्माण के लिए टू ट्रेचिंग और जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।